मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। भोपाल में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाला मामले में मंत्री विश्वास सारंग के शामिल होने का आरोप भी लगाया। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोपिल कोटवाल ने पीसीसी के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोपिल कोटवाल ने कहा कि नर्सिंग घोटाले के रूप में एक बार फिर बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में उजागर हुआ है, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग को नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा सौंप देना चाहिए, जिसमें जांच प्रभावित ना हो। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वास सारंग के संरक्षण में ये घोटाला हुआ है। यह साबित हो चुका है कि व्यापम से बड़ा महा घोटाला नर्सिंग घोटाला है और उसमें यह भी साबित हो गया है कि विश्वास सारंग जी उसके पूरे कर्ता धरता है और उन्हीं के संरक्षण में हुआ है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो उनको तुरंत विश्वास सारंग का इस्तीफा ले लेना चाहिए ताकि जो नर्सिंग घोटाले की जांच चल रही है उसमें निष्पक्ष रूप से वो जांच हो सके। 8 साल की बच्ची से मैं भोपाल में ज्ञान गंगा के हॉस्टल में रेप हो जाता है, एक पुलिस वाले पे डंपर चढ़ जाता है, शैडो और क्या बोलते हैं अशोक नगर में लड़की का रेप होता है, उसके पूरे परिवार वालों को मारते हैं और तलवारें लहराते हुए लोग उसको क्या बोलते किडनैप करने की कोशिश करते हैं। सीधी में स्कॉलरशिप के नाम पे छात्राओं को बुलाया जाता है, उनका रेप किया जाता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी दौरे पर रहते हैं और बिल्कुल चुप रहते हैं, बिल्कुल मौन है। ऐसा लगता है कि उनको सब सुन गया है। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को थोड़ी सी भी नैतिकता बाकी है तो वह इस्तीफा दें और मध्य प्रदेश को दूसरे हाथों में सौंपे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।